नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप सभी का एक बार पुनः दक्षिणा ई क्लासरूम में बहुत बहुत स्वागत है। हम सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बातें कर ली थी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना। सेंट्रीपिटल इज टुवर्ड द सेंटर एंड द सूडो ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज नोन एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्यू टू सेंट्रीप्यूटल एक्सेलरेशन। जो भी सूडो लगता है उसी को प्यार से क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, है ना। तो ये सब बातें अपन लास्ट टाइम स्टार्ट की थी और सवालों का सिलसिला शुरू किया था। तो आज वाले लेक्चर में खूब सवाल करेंगे, आज और कल वाला, मतलब अगला लेक्चर वाला, जिसमें खूब सारे सवाल सोल्व करेंगे अपन अच्छे अच्छे। चलिए भाई साहब, तो सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक छोटी छोटी बात देख लेते हैं। जैसे अपने बातें की थी लास्ट टाइम, जैसे पेंडुलम होते हैं, खूब सारे पेंडुलम, ये छोटा सा बात करते हैं अपन सिंपल पेंडुलम की। सिंपल पेंडुलम क्या है ये आइटम भाई साहब? सिंपल पेंडुलम हम सबने देखा होता है, घड़ी वड़ी में लगा होता है, घंटाघर वगैरह में भी ऐसे लगा हुआ आपको कहीं सिटीज में दिख जाएगा। अच्छा, क्या होता है बेसिकली, यहां से एक रॉड से एक बॉब फिक्स होता है, रॉड से एक बॉब फिक्स होता है, इसकी लेंथ एल है, इसकी लेंथ एल है, और ये कर रहा होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन का ये वाला पार्ट, ये ऐसे चल रहा होता है, कौन ये वाला आपका बॉब जो है ना। अच्छा, इसके ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है वैसे तो इसका टाइम पीरियड वगैरह अपन कहां बातें करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पढ़ेंगे HSM, तब बात करेंगे कि इसका टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ LYG। खैर अपन वो सब बातें अभी यहां पे करनी ही नहीं है टाइम पीरियड की, हम तो ये बात कर रहे हैं भैया ये कि पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन करेगा, यानी ये यहां से लेके यहां तक ऐसे भागता रहेगा। जैसे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखे, मान लो कि ये वर्टिकल से यहां पे एंगल की कितने पे है, थीटा पे, नीचे इस पे क्या लग रहा होगा, मैंने कहा नीचे इस पे MG लग रहा होगा। मान लो कि एक्सट्रीम पोजिशन है, थीटा नॉट है, इधर की तरफ आपके पास MG cos थीटा लग रहा होगा, इधर की तरफ आपके पास MG sin थीटा लग रहा होगा, और अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसकी रफ्तार जीरो होगी, अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट पे इधर टेंशन लग रहा होगा, टी की वैल्यू MG cos थीटा के बराबर आएगी और इसकी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी, G sin थीटा। इधर की डायरेक्शन में है भैया ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगी, जीरो होगी, काय को कि भाई स्पीड जीरो, लेकिन फिर भी ये एक सर्कुलर का पार्ट है। हाँ, हमने ये बातें कर ली है कि सर्कुलर के कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जो कि एक सर्कुलर पाथ के पार्ट हो सकते हैं जहां पे रेडियल एक्सेलरेशन जीरो हो, लेकिन अगर पूरा सर्कुलर मोशन हो रहा है जिसमें रेडियल एक्सेलरेशन के बगैर ये काम चलने वाला नहीं है, तुरंत अगले जैसे थोड़े ही टाइम बाद में ये मान लो कि यहां आ गया है, एंगल आपका थीटा हो गया है, रफ्तार आपके पास भी हो गई है, तो अब अगर आप ध्यान से देखें थीटा बन के यहां बैठ जाएंगे, इधर आपके पास टी लग रहा है, इधर आपके पास क्या लग रहा होगा, मैंने कहा ये थीटा नॉट था, ये थीटा नॉट था, थीटा नॉट था, इधर की तरफ आपके पास आ जाएगा MG cos थीटा नॉट प्लस MG स्क्वायर बाई आर। अगर थीटा के रेस्पेक्ट में बात करें तो इधर आपके पास क्या लग रहा होगा, मैंने कहा MG sin थीटा नॉट है, एक्सेलरेशन आपके पास सॉरी थीटा है तो थीटा आ जाएगा, पुराने वाला थीटा नॉट था, ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। तो ये आपका है सिंपल पेंडुलम, इसके वो जो एक पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन कर रहा है। कौन से प्लेन में ये सर्कुलर मोशन होती है, वर्टिकल प्लेन में ये बातें हो रही है, वर्टिकल प्लेन में। खैर, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में पूरी PhD अपन थोड़ा सा आगे जाके करेंगे, क्योंकि वहां पे अपने को वर्क पावर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वर्क पावर एनर्जी प्लस सर्कुलर मिक्स करके अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में खूब सारी बातें करने वाले हैं। अभी यहां पे क्या कर रहे हैं, मैंने कहा अभी अपन जो भी सवाल करेंगे वो मेजोरिटी ऑफ सवाल जो है वहां पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन हो रही होगी, यानी हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या हो रहा होगा, बॉडी क्या कर रही होगी, सर्कुलर मोशन कर रही होगी। मैंने कहा अच्छा भाई साहब, हो बहुत बढ़िया। तो ऐसा ही एक पेंडुलम होता है, एक पेंडुलम भी होता है जिसमें बॉब जो है यहां पे बॉब वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन एक पेंडुलम ऐसा भी होता है जिसमें बॉब क्या कर रहा होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। ऐसे बॉब को प्यार से बोलते हैं, कूनिकल पेंडुलम, मतलब ऐसे पेंडुलम को प्यार से क्या बोलते हैं, कूनिकल पेंडुलम। तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं भाई साहब क्या होता है कूनिकल पेंडुलम। मिट जाओ यार, हेडिंग डाल दीजिए आप कोनिकल पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम। अब आप ध्यान से देखिए क्या है ये कोनिकल पेंडुलम। अच्छा, अब आप ध्यान से देखें तो करते क्या है कि बेसिकली एक धागा लेते हैं और इससे एक बॉब या मास को यहां पर टांग दिया और यहां से ये धागा फिक्स है आपका, और क्या हो रहा होता है कि ये मास जो है वो ऐसे चल रहा है। कैसे चल रहा है मैं बताता हूं आपको, कैसे चल रहा है, वो ऐसे चल रहा होता है, ऐसा ऐसे चल रहा होता है, यहां फिक्स है,
ऐसे 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 ऐसे। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो बॉब है वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करेगा, टिक 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 टिक। यहाँ पे मान लीजिए कि वो बार की तरफ आ रहा है तो इसकी रफ्तार में वी कर देता हूँ, बार को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ। यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें टिक 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 तो इसकी रफ्तार वी मान लेते हैं और वो किधर जा रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, माना कि धागे की लंबाई क्या है, एल है। आप सोच के बताइए कि भैया ये जो भी है आपका बॉब है या ये जो भी बॉल मान लीजिए ये क्या कर रही है, क्या कर रही है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रही है भैया। लेकिन ये वाला पॉइंट को आप देखिएगा, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर आप इस पूरे आइटम को देखें जो शेप बन रही है वो क्या कोन टाइप की बन रही है। मैंने कहा इसीलिए इसको प्यार से क्या बोलते हैं, मैंने कहा इसको बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। लेकिन आपका मास एम क्या कर रहा है, मैंने कहा वो तो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया बहुत शानदार। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे टेंशन लग रही होगी, नीचे इस पे क्या लग रहा होगा, एमजी लग रहा होगा। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, माना कि ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी आपके लिए थीटा हो जाएगा। मैंने इसका नाम ए बोल दिया, इसका नाम बी बोल दिया। कोई आपसे बोले कि ये जो ए वाला बॉल है, कोई आपको बोले कि ये जो ए वाला बॉल है, मतलब ए वाला जो पॉइंट है वहां पे सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन क्या होगी, वहां पे सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन क्या होगी। आप मुझे सोच के बताइए कि सेंट्रीफ्यूगल की डायरेक्शन क्या होगी ए वाले पॉइंट पे, एट पॉइंट ए, है ना। डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन पॉइंट ए पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पे कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा। आपको बोले इसका नाम 1 2 3 4 5 6 7 8 मान लिया। आपसे बोलेगी पॉइंट ए यानी ये वाले पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब आप ध्यान पूर्वक सोचिए और बताइएगा। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप जानते हैं कि वो रेडियल एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और ये सर्कुलर मोशन तो ऐसे कर रहा है, ये आपका आर हो जाएगा। तो किधर की तरफ लगेगा सेंट्रीफ्यूगल, अरे बाहर लगेगा ना भैया, कितना लगेगा, मैंने कहा एम वी स्क्वायर बटा आर लगेगा। और ये आर की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा ये एल साइन थीटा हो जाएगी। माना कि हाई हाइट है, हाइट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल कॉस थीटा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ए पे डायरेक्शन क्या आ रही है, 5 आ रही है आपके लिए। ये सर्कल ऐसा नहीं कर रहा, कोई ऐसा ना बना दे एम बी स्क्वायर बाय आर की लो लो ऐसा लग रहा का नहीं बे, सर्कल का रेडियस तो आपका ऐसा है, सर्कल तो हॉरिजॉन्टल कर रहा है ना यार, तो बाहर की तरफ होगा, अंदर की तरफ इसके बाद एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी बी स्क्वायर बाय आर, उसका सूत्र आपके लिए बाहर गया। आप सीधा बन के इसके ऊपर बैठ गए तो इधर आपके टेंशन लग रहा है, इधर वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, टी कॉस थीटा। इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, टी कॉस थीटा किसके बराबर होना चाहिए, लाला टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी, टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू एम जी। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा टी साइन थीटा, क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा एम जी के बराबर है, टी साइन थीटा जो है वो एम बी स्क्वायर बटा आर के बराबर है, ये आपका हो जाएगा एम बी स्क्वायर बटा आर के बराबर। अब आप ध्यान से देखें, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को, तो टी से टी आपका उड़ जाएगा, एम से एम आपका उड़ जाएगा। तो टेन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, टेन थीटा की वैल्यू आ रही है यहां से वी स्क्वायर अपॉन आर जी, वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहां से मैं वी को क्या लिख सकता हूं, वी मेरे लिए आ गया है जी आर टेन थीटा, वी क्या आ गया है जी आर टेन थीटा। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत बढ़िया बहुत ही खूबसूरत। कल को कोई आपको बोल दे कि भैया इसका टाइम पीरियड क्या होगा, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, अगर मुझे इसका टाइम पीरियड पता करना है टाइम पीरियड क्या होगा, मैंने कहा भैया टोटल दूरी ये घूम कितना रहा है, टोटल दूरी ये घूम रहा है 2πr, और रफ्तार क्या है, मैंने कहा रफ्तार v है। अच्छा 2πr, r की वैल्यू क्या है, मैंने कहा वो तो l sin थीटा है, क्या है यार r की टर्म में रहने दो अभी के लिए। नीचे v क्या है, मैंने कहा v हो गया है मेरे लिए gr tan थीटा, gr tan थीटा। तो ये आइटम क्या हो जाएगा, मैंने कहा ये आइटम हो गया है 2π, और ये आपका ऊपर r आ जाएगा, नीचे क्या आ गया है g tan थीटा, g tan थीटा। तो ये वैल्यू क्या हो गई है 2π, और r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है l sin थीटा, l sin थीटा। नीचे है g और ये हो गया आपका sin थीटा / cos थीटा, tan थीटा को मैंने लिख दिया, sin थीटा से sin थीटा की बत्तियां भूल कर गई। तो आपका t आ गया है यहां से 2π अंडर रूट ऑफ l cos थीटा डिवाइडेड / g। अगर आप ध्यान से देखें तो टाइम पीरियड क्या है, t = 2π अंडर रूट ऑफ h / g है, t = 2π अंडर रूट ऑफ
एच वाई जी है, कहां से पता लगा ये, एच आपका एल कॉस थीटा है, एल कॉस थीटा वाई जी, याद रहे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है, याद रहे तो कोई बुराई वाली बात नहीं है कि इसका टाइम पीरियड जो है कॉनिकल पेंडुलम का क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एच वाई जी, एच वहां पे क्या है, एच आपका वर्टिकल हाइट है, एच आपका क्या है वर्टिकल हाइट है, ये वाली हाइट है आपके लिए जो कि हो जाएगा एल कॉस थीटा, अगर ये वाली लंबाई एल है, बाकी बाकी आपके लिए कोई टफ चीज नहीं है, इसको निकालना कोई टफ चीज नहीं है। अच्छा भाई सब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत, अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से देखें तो बॉब वहां यहाँ पे क्या कर रहा है, जो बॉल है या बॉब माँ बोल दीजिए, बॉल या बॉब कुछ भी रखिए, उसमें क्या फर्क पड़ता है, वो आपका क्या करेगा, वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर रहा है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत, ये हो गया कॉनिकल पेंडुलम। आगे बढ़ते हैं, छोटी छोटी बातें और करते हैं, जैसे मान लो कि कहीं आपको ऐसे सवाल आएंगे, बाउल हॉल मान लो कि यही बाउल के अंदर बातें करते हैं, जैसे मान लो कि बाउल आ जाए सवालों में, कटोरा रखा हुआ है, एक कटोरा रखा हुआ है आपके सामने, क्या आ जाए ऐसा कुछ आ जाए कि एक कटोरा रखा हुआ है, और आप क्या है, मैंने कहा यहां से यहाँ पे मास m रखा हुआ है, यहाँ पे मास m रखा हुआ है, ये वाला एंगल थीटा है, रेडियस r है, और इसकी रफ्तार जो है मान लीजिए v है, रफ्तार क्या है v है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा यहाँ पे इधर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा, इस पे यहाँ पे मास m है, ये आपका नॉर्मल हो गया, नीचे आपके पास क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, है ना, तो ये वाला एंगल आपके लिए थीटा आ गया, तो ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, इधर वाला कंपोनेंट, मैंने कहा इधर वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, बाकी mb square बटा r, अगर आप इसके ऊपर बैठ जाएंगे तो आपको mb square बटा r भी लगता हुआ दिखाई देगा, सूडो फोर्स, बाकी ग्राउंड के फ्रेम में बनाएंगे तो नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे खूब सारे सवाल में कहीं ये डाला होगा, कहीं ऐसे डाल दिया जाएगा बहुत ये वो, कहीं आपकी ऐसा होगा कि एक ऐसा 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 पाथ है, कैसा पाथ है, उबड़ खा मतलब कर वाली रोड है, जिसपे क्या हो रहा है, जिसपे साइकिल वगैरह चला रहा है, तो खैर अपन आगे बढ़ते हैं और ऐसे खूब सारे सवाल अपन देखते हैं, ऐसे सवाल अपन देखते ही सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं, बाकी आप समझ गए कि कॉन्सेप्ट आपके लिए ज्यादा टफ नहीं है, सवाल में उसको सही से आपको अप्लाई करना है ना। चलिए मिट जाओ यार, मिटने में गजब भाव खाते हो। चलिए भाई सब, चलिए ध्यान से देखें, ध्यान से अगर देखें अपन, एक सवाल बनाते, एक सवाल देते हैं आपको यहाँ पे करने के लिए, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, एक धागा है जिसको कनेक्ट किया है एक मास m से, एक मास m से, कौन सा प्लेन है भाई साहब, एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक टेबल रखी हुई है, यानी हॉरिजॉन्टल टेबल है। अच्छा, और क्या हुआ है, धागे की लंबाई L है और यहाँ पे मास रखा हुआ है, टेबल और ब्लॉक के बीच का मान लीजिए म्यू, आपको म्यू दिया है और इसकी रफ्तार आपको दे दी वी नॉट, क्या दी है वी नॉट, रफ्तार देके इसको छोड़ दिया, वी नॉट रफ्तार दी और बोला कि तुम जाओ बेटा घूमो, ऐसे ऐसे घूमो, इसको रफ्तार दे दी वी नॉट, और आपसे बोला जाए कि कब जाके ये ब्लॉक रुक जाएगा, t is equal to zero पे हमने क्या किया है, इस ब्लॉक को रफ्तार दे दी है वी नॉट, और हॉरिजॉन्टल टेबल और इस ब्लॉक के बीच का म्यू है म्यू, और आपको बोला जाए कि कब जाके ये वाला ब्लॉक रुक जाएगा, यानी कब जाके ये ब्लॉक रुक जाएगा, फाइंड द टाइम व्हेन दिस ब्लॉक विल स्टॉप, फाइंड द टाइम व्हेन दिस ब्लॉक विल स्टॉप, दिस ब्लॉक विल स्टॉप, वो वक्त बताइए जब ये ब्लॉक वाय स्टॉप कर जाएगा, रुक जाएगा भैया, तो वो वक्त आपको बताना है, ओहो कौन रुकेगा इसको, कैसे पाथ में ये जाएगा, क्या ऐसा है क्या, वीडियो को पॉज मारिए और आप पूरा आंसर निकालिएगा, अगर आप ध्यान से देखें, अब आप मतलब जब आप पूरी अपनी ओर से कर लेंगे तो उसके बाद देखें, हमको लगता है कि सर्कुलर मोशन करेगा भैया, सर्कुलर मोशन करेगा, अब सवाल उठता है कि यूनिफॉर्म करेगा कि नॉन यूनिफॉर्म, मैंने कहा नॉन यूनिफॉर्म करेगा, भाई फ्रिक्शन आएगा मार्केट में, इसके ऊपर टेंशन इधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन इस पे पीछे लग रहा होगा, काई को कि भैया रिलेटिव स्लाइडिंग हो रही है, कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा,
इनका पूरा म्यू एमजी के बराबर लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा तो ये टेंशन क्या करेगा? मैंने कहा यहाँ पे टेंशन आपको देगा रेडियल एक्सेलरेशन। मैंने कहा फ्रिक्शन क्या करेगा? मैंने कहा ये देगा टेंजेंशियल रिटार्डेशन। भाई साहब वेलोसिटी उधर है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो स्पीड रुक जाएगी, मतलब स्पीड कम हो जाएगी। उसके लिए जिम्मेदार कौन है? फ्रिक्शन है ना। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें तो इसका एक्सेलरेशन होगा माइनस ऑफ म्यू एम जी डिवाइडेड बाई एम। ऐसा काय को भी रिटार्डेशन है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए जो डीवी बाई डी टी है, डीवी बाई डी टी है, उसकी वैल्यू क्या आ गई है? म्यू जी आ गई है। तो डीवी इज बेसिकली इक्वल टू म्यू जी डी टी, म्यू जी डी टी। इंटीग्रेट मार दीजिए इसको। टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे रफ्तार क्या थी? वी नॉट थी। रफ्तार क्या थी? वी नॉट थी। माना कि टी इज इक्वल टू टी पे जाके इसकी रफ्तार जीरो हो गई है, तो आपको वो वक्त पता करना है तब जाके इसकी रफ्तार जीरो हो जाए। आपको वो वक्त पता करना है जब जाके इसकी रफ्तार जीरो हो जाए। तो डीवी का इंटीग्रेशन किया, आपके लिए आ गया वी अपर लिमिट आपने डाली जीरो, माइनस लोअर लिमिट यानी कि वी नॉट, माइनस लोअर लिमिट इज वी नॉट आ गया। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपके लिए हो गया है माइनस ऑफ म्यू जी टी माइनस जीरो। तो यहां से आपके लिए आ रहा है वी नॉट इज इक्वल टू, वी नॉट इज इक्वल टू म्यू जी टी। तो टी की वैल्यू क्या आ गई है? यहां से टी की वैल्यू आ रही है आपके लिए वी नॉट डिवाइडेड बाई म्यू जी, वी नॉट डिवाइडेड बाई म्यू जी। इतने वक्त के बाद, भाई ये कोई फॉर्मूला नहीं है, स्टार का लगा रहे हैं भाई, इतने वक्त के बाद में ये रुक जाएगा। तो फ्रिक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है? फ्रिक्शन आपको यहाँ पे दे रहा है टेंजेंशियल रिटार्डेशन। क्या दे रहा है? टेंजेंशियल रिटार्डेशन। बाकी तो और ये इसको सर्कुलर करवाने के लिए जिम्मेदार कौन होगा? मैंने कहा टेंशन होगा भाई, किसी भी टाइम पे इसकी रफ्तार मान लीजिए वी होगी, किसी भी टाइम पे इसकी रफ्तार अगर वी हो गई है तो टेंशन की वैल्यू हो जाएगी। अगर आप थीटा बन के यहाँ बैठ जाएंगे तो इधर की तरफ एम वी स्क्वायर बटा आर लग रहा होगा, या लेंथ एल है तो टेंशन हमेशा एम वी स्क्वायर बटा एल के बराबर होगी। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। ध्यान से आप देखो फ्रिक्शन क्या कर रहा है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा, मतलब यहाँ पर्टिकुलर केस में क्या कर रहा है? रिटार्डेशन दे रहा। देखना जरा अच्छा से, सवाल का वेरिएशन लाते हैं अपन, इसी सवाल में कुछ चेंज लाते हैं, इसी सवाल में कुछ चेंज लाते हैं। कैसे लाते हैं जरा ध्यान से देखें, एक और सवाल बनाते हैं इससे मिलता जुलता। एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ब्लॉक को रख दीजिए, फिर घुमाइए टेबल को, हाँ ये हो सकता है। उड़ जाओ उड़ जाओ उड़ जाओ भैया उड़ जाओ। ध्यान से देखें, हाँ ध्यान से देखें भाई साहब, ध्यान से देखें कि हमारे पास क्या है? एक हॉरिजॉन्टल टेबल है। एग्जांपल देखिएगा जरा ध्यान से, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक टेबल रखा हुआ, क्या रखा हुआ है? एक टेबल रखा हुआ, कौन से प्लेन में? हॉरिजॉन्टल प्लेन में, हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक टेबल रखा हुआ। मैंने कहा अच्छा टर्न टेबल घूम रहा है, मस्त ओमेगा से घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? ओमेगा से ये एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड की रेट से ये घूम रहा है। और यहां से आर दूरी पे, यहां से आर दूरी पे एक ब्लॉक रखा है। मैंने कहा अच्छा एक ब्लॉक रखा है जिसका मास क्या है? एम है। और ब्लॉक और इस टेबल के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपको म्यू दिया हुआ है। तो आपको ये पूछा गया है जैसे जैसे आप ओमेगा बढ़ाएंगे क्या आपको नहीं लगता कि इसके ऊपर खतरा बढ़ जाएगा स्लिप होने का? मैंने कहा किधर स्लिप होगा? अंदर की बार सोच के देख, एक टेबल ऐसे घूम रही है तो उसके ऊपर बैठा है, किधर स्लिप होगा? अंदर की बार, बाहर स्लिप हो जाएगा। बाहर स्लिप होते हैं ना यार, झूला वूला में तुमने देखा होगा ऐसे घूमने वाली टेंडेंसी होती है। अगर आप मतलब मेले वेले में जाते हैं घूमने वाले झूले लगा रखे होते हैं ना यार, अगर आप बहुत तेजी से झूला झूल रहे हैं और मान लीजिए गलती से सीट से अलग हो गए तो भाई साहब बाहर जाके गिरेंगे ना यार, है ना? अच्छा बहुत बढ़िया। तो आपको भी बताना है कि भाई साहब ओमेगा की मैक्सिमम स्पीड क्या हो सकती है जब तक इनके बीच में स्लिपिंग स्टार्ट नहीं हो, या फिर मैं उल्टा सवाल पूछूं तो बोलूं कि भैया मिनिमम ओमेगा की क्या रफ्तार होगी, मतलब मिनिमम ओमेगा क्या होगा जिससे कि यहाँ पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए इसके बीच में, टेबल और ब्लॉक एम के बीच में, टेबल और ब्लॉक एम के बीच में। अच्छा फाइंड द मैक्सिमम ओमेगा, फाइंड ओमेगा मैक्स For which, there is no slipping, there is no
स्लीपिंग बिटवीन टेबल एंड ब्लॉक ब्लॉक और टेबल के बीच में कोई रिलेटिव स्लीपिंग नहीं हो रही है. फाइंड द ओमेगा मैक्स फॉर विच देयर इज नो स्लीपिंग बिटवीन टेबल एंड ब्लॉक. टेबल और ब्लॉक के बीच में कोई रिलेटिव स्लीपिंग नहीं हो रही. मैंने कहा अच्छा, ओमेगा की वो मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी है. अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत. हो अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होगा यहाँ पे, और यहाँ पे कोई धागा है क्या? ये कोई धागा नहीं है, ये कोई धागा नहीं है भाई साहब, कोई धागा वागा नहीं. मैं जस्ट ये बता रहा हूँ कि दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये दूरी आर है, ये दूरी आर मान लीजिए, एल मान लीजिए, मैंने आर दे दिया तो आर रखिएगा. ब्लॉक ऐसे रखा, बांधा हुआ बिल्कुल नहीं है, बांधा हुआ बिल्कुल नहीं है, और इसको घुमा रहे हैं. माना कि ओमेगा से घुमा रहे हैं, क्या होगा भाई साहब, कौन इसको स्लिप होने से रोकेगा? अब आप ध्यान से देखें तो अगर मैं इस ब्लॉक की एबीडी बनाऊं, है ना, तो इस अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे भाई साहब ये सर्कुलर तो करेगा, ये सर्कुलर तो करेगा. सर्कुलर अगर करेगा तो कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? मैंने कहा भैया फ्रिक्शन जिम्मेदार होगी. कौन जिम्मेदार होगी? फ्रिक्शन यहाँ पे जिम्मेदार होगी. फ्रिक्शन यहाँ पे रेडियली अंदर की तरफ लगेगी. अगर आप ध्यान से देखें, चीटा बन के इसके ऊपर बैठ जाएं, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इधर की तरफ फोर्स हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर, और ये जो फोर्स है दैट मस्ट बी एम ओमेगा स्क्वायर आर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स. फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू से कम होना चाहिए. अगर उससे ज्यादा हो गया तो भैया फिर स्लिप होगा ना यार, कोई रोक पाएगा नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात से भी अगर ज्यादा खींचा जाएगा तो इसके बस की बात नहीं रहेगी. अब आपने लिख दिया इसको एम ओमेगा स्क्वायर आर दैट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकता है, म्यू इनटू नॉर्मल, और नॉर्मल है आपके लिए एम जी के बराबर. एम ने एम की बत्तियां गुल की. अगर आप ध्यान से देखें तो ओमेगा स्क्वायर जो है यहाँ पे आ रहा है आपका म्यू जी डिवाइडेड बाई आर, यानी ओमेगा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू जी बाई आर, यानी कि ओमेगा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है हमारे लिए वो क्या आ रही है, वो आ रही है आपकी म्यू जी डिवाइडेड बाई आर. म्यू जी डिवाइडेड बाई आर है. इससे ज्यादा अगर आपने ओमेगा रखा तो फिर भैया ये बाहर की तरफ स्लिप कर जाएगा, फिर ये बाहर की तरफ स्लिप कर जाएगा, है कि नहीं यार? कह रही तो सवाल हुआ ये, मतलब ओमेगा निकाल लिया. सोच के देख फ्रिक्शन क्या कर रहा है यहाँ पे. फ्रिक्शन यहाँ पे इसकी टेंडेंसी बाहर स्लिप होने की है, तो फ्रिक्शन इसका अपोज कर रहा है, फ्रिक्शन ही इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है, फ्रिक्शन ही अंदर की तरफ फोर्स लगा रहा है. ओ तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो कौन लगा रहा है, यानी रेडियल एक्सेलरेशन कौन दे रहा है? फ्रिक्शन दे रहा है. लास्ट वाले सवाल में क्या कर रहा था फ्रिक्शन? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा है. अभी क्या कर रहा है? रेडियल दे रहा है. ओह तुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा फ्रिक्शन ने कोई ठीका नहीं ले रखा है कि भैया हम टेंजेंशियल देंगे या हम रेडियल देंगे. हम तो रिलेटिव स्लाइडिंग का अपोज करेंगे भैया, हम तो रिलेटिव स्लाइडिंग का अपोज करेंगे. तो अगर फ्रिक्शन नहीं होती, मान लो कि स्मूथ होता, चकाचक आपको बिठा देते एकदम ऐसा, है कि नहीं यार, और ऐसे जोर से ऐसे घुमाते तो ये बाहर की तरफ उड़ जाता है ना, ये बाहर की तरफ वैसे ही उड़ जाता. अच्छा एक वो गेम आता है ऐसा बुलट सांड टाइप का होता है, जिसके ऊपर बिठाते हैं फिर आपको घुमाते हैं ऐसे मस्त एकदम, आपका ट्राई करते हैं कि आप कितनी देर तक बच पाते हैं. अभी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, कॉलेज वॉलेज जाइएगा तो बिल्कुल वहां पे फेस्ट में आइएगा. फेस्ट में मतलब ये सब रहते ही है, उधर मेले वेले में पाया जाता है, आपको ऊपर बैठना होता है और फिर जोर से घुमाया जाता है कब तक आप सस्टेन कर पाते हैं. ऐसे 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 घुमाते हैं ना कि एक वक्त के बाद में अपन बाहर की तरफ उड़ जाते हैं. क्या वहां पे फ्रिक्शन होगी? होती है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होती है इसलिए आप पकड़ पाते हैं. मान लो कि फ्रिक्शन नहीं हो, फिर तो आप थोड़ा सा भी ओमेगा दो ये बाहर की तरफ कट लेगा. तो ये मैक्सिमम ओमेगा आ गया है जहां पे तब तक ज्यादा आप सेफ रहेंगे, यानी रिलेटिव स्लाइडिंग नहीं होगी टेबल और इसके बीच में. मैंने कहा अच्छा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत. मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं. मैंने बोला भाई साहब इनिशियल ओमेगा क्या है टेबल का? इनिशियली ओमेगा क्या है? इनिशियली टेबल का ओमेगा है जीरो, और टेबल एक्सेलरेट हो रही है कैसे? मैंने कहा अल्फा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर से. ओ बाकी एज इट इज है, बाकी एज इट इज है. और मास्टर क्या पूछ रहा है? मास्टर ये बोल रहा है कि टाइम, फाइंड द टाइम व्हेन स्लीपिंग विल स्टार्ट. Find the time when sleeping will start between block and table. Find the time when there will be sleeping start between block and table. Find the time when sleeping will start, when sleeping
will start between table and block table और block के बीच में slipping start होगी, वो वक्त बताइए t is equal to 0 पे हाल चाल ये है। मैंने कहा देखते हैं भैया, इसको देखना जरा, खुद से कोशिश करें, दूरी आ रहे और आपसे पूछा फाइनल टाइम में। बढ़िया सवाल है, मतलब फील आना चाहिए, मतलब आपको अच्छे समझ में आना चाहिए। पूरे लेक्चर में आप सवाल ही करेंगे, बिल्कुल सवाल ही सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आना चाहिए वैसा हो क्या रहा है कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आएगा तो फिर आप बुक लेट हो गया, एससी वर्मा हो गया, ये सब ऐसे ऐसे आप सॉल्व कर पाएंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें अब क्या होगा, मैंने कहा यार अब तो मतलब जो है ये सर्कुलर भी करेगा, हाँ मतलब सर्कुलर तो रेडियल एक्सेलरेशन भी होगी, अल्फा है इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो इसको ये सब कुछ दे कौन रहा होगा, धागा तो है नहीं, है कि नहीं यार, और मतलब दे कौन रहा होगा। मैंने कहा फ्रिक्शन है यार, तो ये सारा काम किसको करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को करना पड़ेगा। किसी भी टाइम पे अगर आप देखें ध्यान से, किसी भी टाइम पे मान लो कि आपके पास ओमेगा हो गया है at t is equal to t omega है, अल्फा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा होगा, मैंने कहा यहाँ पे हो क्या रहा होगा, इस वाले भाई साहब के पास एक होगी रेडियल एक्सेलरेशन, एक होगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इधर होगी ए नेट, है कि नहीं यार। अच्छा ये होगी आपके लिए ओमेगा स्क्वायर आर और ये होगी आपके लिए अल्फा इंटू आर, यानी कि ए नेट आपके लिए आ जाएगा बेसिकली ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू आर का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू आर का स्क्वायर, ये आपके लिए आ गया है ए नेट, आपके लिए क्या आ गया है ए नेट आ गया है। अच्छा अगर मैं थीटा 1 के इसके ऊपर बैठूं तो मेरे लिए सूडो जो है इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इस वाले ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा, मैंने कहा वो लग रहा होगा एम इंटू ए नेट, यानी कि ओमेगा स्क्वायर इंटू आर का होल स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू आर का होल स्क्वायर। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, और इसका इसको अपोज करने वाला कौन है, मैंने कहा वो फ्रिक्शन है भैया, इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि फ्रिक्शन रियलिटी में ऐसे लग रहा होगा, इससे फ्रिक्शन कैसे लग रहा होगा, ऐसे लग रहा होगा, उसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा, इधर वाला कंपोनेंट क्या कर रहा होगा, मैंने कहा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा, और इधर वाला कंपोनेंट, मैंने कहा उधर वाला कंपोनेंट भैया दे रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दोनों काम फ्रिक्शन ही कर रहा है, फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है, ये वाला कंपोनेंट इसको दे रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये वाला कंपोनेंट दे रहा है रेडियल एक्सेलरेशन। अबे पहले सवाल लगातार 3 सवाल कर रहे हो, पहले सवाल में फ्रिक्शन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे रहा था, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में लग रहा था, दूसरे सवाल में आपके लिए फ्रिक्शन क्या कर रहा था, इनका रेडियल डायरेक्शन में लग रहा था, रेडियल एक्सेलरेशन दे रहा था, इधर तो दोनों काम कर रहा। मैंने कहा हाँ भाई फ्रिक्शन ने कोई ठेका नहीं, उसको नहीं पता कि तुम क्या रेडियल क्या सर्कुलर, उसका काम है रिलेटिव स्लाइडिंग का अपोज करना, जिधर की तरफ टेंडेंसी है उसकी जस्ट अपोजिट में लगाएगा भैया, ये सब उसका काम है। इसका दो कंपोनेंट आपने ले लिए, वो इस ब्लॉक को क्या दे रहा है रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो उसके दोनों कंपोनेंट, तो वहां से रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आ जाएगी, अल्टीमेटली वो रिलेटिव स्लाइडिंग का अपोज कर रहा है, वही फ्रिक्शन का धर्म है। मास्टर का कहना और समझाने का इन तीनों सवालों से ये था कि ये सजा फ्रिक्शन जो है वो अपोज, वो मतलब जो है आपका किसी पर्टिकुलर काम करेगा, ऐसा नहीं है। फ्रिक्शन तीनों पहले वाले केस में आपको रेडियल टेंजेंशियल दे रहा था, फिर रेडियल दे रहा है, और अब यहाँ पे दोनों दे रहा है, क्या अब आपके लिए सवाल कोई बहुत टफ नहीं रहा। मैंने कहा भैया इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मतलब ये जो कार्यक्रम है आपका क्या, मैंने कहा ये जो है एम अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर का स्क्वायर, ये आपका रेडियल एक्सेलरेशन हो गया ओमेगा उसका स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू आर का स्क्वायर मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू नॉर्मल, यानी कि म्यू इंटू एम जी, क्या हो जाएगा म्यू इंटू एम जी, यानी म्यू इंटू नॉर्मल के बराबर रहेगा। अच्छा भाई साहब तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये वैल्यू आपका एम से एम कट गया, यानी कि ओमेगा स्क्वायर नहीं ओमेगा की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी, इज लेस देन इक्वल टू म्यू जी। अब आप ध्यान से देखें तो आपकी जो एक्सेलरेशन है कौन सी वाली, जो आपकी एंगुलर एक्सेलरेशन है वो आपको अल्फा दिया हुआ कांस्टेंट, तो बेसिकली डी ओमेगा बटा डीटी की वैल्यू क्या दिया हुआ है अल्फा दिया हुआ, तो डी ओमेगा क्या हो जाएगा अल्फा डीटी हो जाएगा, इंटीग्रेशन टी इज इक्वल टू जीरो पे इनिशियल ओमेगा क्या है जीरो है, और टी इज इक्वल टू टी पे ओमेगा क्या आ रहा है ओमेगा आ रहा है, डी ओमेगा का इंटीग्रेशन आ गया आपके लिए ओमेगा
और ये आ गया अल्फा टी, यानी कि किसी भी टाइम पे ओमेगा आपके लिए क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू टी हो जाएगा। किसी भी टाइम पे ओमेगा आपका अल्फा इंटू टी हो जाएगा। और वैसे भी अल्फा कॉन्स्टेंट था, तो आप जैसे वी इज इक्वल टू यू प्लस ओमेगा, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हो, वैसे ही ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी लगा सकते हैं। ये जीरो है तो अल्फा टी आ गया आपके लिए। अच्छा, ओहो, हमको क्या चाहिए, इनका हमको टाइम चाहिए, हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो ये ओमेगा की वैल्यू को डाल देते हैं, ये अल्फा की पावर 4 टी की पावर 4 हो गया है ना। अच्छा, इनटू आपके पास आर स्क्वायर आ गया है प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू जी। तो यहां से आपके लिए टी जो है, यहां से आपके लिए टी क्या आ जाएगा, ध्यान से देखें, तो वो हो गया है आपका म्यू जी माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, मैंने कहा डिवाइडेड बाई, यहां से देख लीजिए अल्फा की पावर 4 और क्या आएगा आर स्क्वायर है। अच्छा, इस पूरे की पावर क्या आएगी 1/4, ये इससे कम ज्यादा ये होना चाहिए टी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इसके इक्वेट कर दीजिए, यानी इक्वालिटी वाला साइन जो है वो आपकी अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू होगी जब तक स्लिपिंग नहीं होगी। तो ये वही वाला वक्त होगा जहां पे स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। अरे यहाँ की नहीं यार, आपको सवाल बोले कि मैक्सिमम वैल्यू बताइए तब तक स्लिपिंग नहीं होगी, तब आपका आंसर यही होगा ये वाला टी इज इक्वल टू दिस, है ना। आप बोलेगी वो मिनिमम टी की वैल्यू बताइए जहां पे स्लिपिंग स्टार्ट होगी, तब आप बोलेगी टी इज इक्वल टू दिस। अच्छा भाई साहब, बहुत ही खूबसूरत। ओहो हो हो हो, एक आध और सवाल देखते हैं अपन ढंग का, इसको उड़ा दें क्या भैया, उड़ा देते हैं और ढंग के सवाल अपन देखते हैं। अब मेरा समझाने का इन सारे सवालों से क्या तात्पर्य था भैया, कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तीनों ही केस में आपने देखा होगा कि एक बार फ्रिक्शन जो है आपको दोनों काम कर रहा है, मतलब पहले एक बार टेंजेंशियल फिर रेडियल, पर इस बार दोनों ही काम कौन कर रहा है, फ्रिक्शन कर रहा है। उड़ जाओ भैया, एक आध सवाल और बनाते हैं भाई साहब। चलिए, यहाँ पे लग रहा है हमने कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक की थी क्या, हाँ, स्क्वायर करते टाइम म्यू जी का स्क्वायर नहीं लिखा था। अच्छा, हाँ, ये जो ओमेगा आ गया था, ओमेगा क्या आया था पिछले वाले सवाल में, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यानी कि 0 प्लस अल्फा टी। तो यहां से हमने m को m से उड़ा दिया था इक्वेशन में, हमारे पास स्क्वायर करते टाइम इसका स्क्वायर नहीं किया था। अरे यार कोई बात नहीं, अब देख लीजिए, मतलब ऐसा गलती हो सकता है, m r स्क्वायर प्लस ओमेगा अल्फा स्क्वायर r स्क्वायर, और ये पूरा कार्यक्रम जब, अरे ये रूट हटाया तो इसका स्क्वायर भी तो करना था ना इधर की तरफ, तो ये कार्यक्रम म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर, तो जहां आपका आंसर म्यू जी आया था ना उधर की तरफ रूट में बहुत 1/4 में, तो वो म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर होगा, म्यू जी नहीं होगा, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर होगा। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो अल्फा की वैल्यू को डाल दीजिएगा यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू को अल्फा टी डाल दीजिए, क्या डाल दीजिए अल्फा टी डाल दीजिए, तो ये अल्फा की पावर 4 अल्फा की पावर 4 टी की पावर 4 आर स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर दैट इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर था। तो यहां से टी अपने पास क्या आ जाएगा, मैंने कहा टी आ जाएगा अपने पास म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर। पिछले टाइम शायद मैंने बोर्ड मिटाने से पहले म्यू जी लिखा था, स्क्वायर नहीं किया था, म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस आपके पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपके पास आएगा अल्फा की पावर 4 अल्फा की पावर 4 है और r स्क्वायर आ जाएगा अल्फा की पावर 4 r स्क्वायर, और ये पूरे की पावर क्या आ जाएगी, ये पूरे की पावर 1/4 आएगी। ये आपका टाइम आ गया है, टाइम आपके लिए हो जाएगा म्यू स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई अल्फा की पावर 4 r स्क्वायर की पावर 1/4। तो ये आपकी पिछली बार साइज म्यू इंटू जी आया था, यहाँ पे मैंने स्क्वायर नहीं किया, क्या तो ये सवाल हो गया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उसको उड़ाते ही और आगे बढ़ते ही एक और नए सवाल की तरफ। सामने कैमरा है तो वो एकदम मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक का कोई पता नहीं चलता है, कॉन्सेप्ट कभी कभी हो सकता है ऐसा।
खैर खुद ही मिटाते हुए याद आया, स्क्वायर करते टाइम हमने वो नहीं किया। खैर आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल बनाते हैं, एक अच्छा सवाल बनाते हैं। मान लो कि भैया अपने पास क्या है, एक सवाल, मान लो कि अपने पास एक रॉड है। क्या है? एक रॉड है। मैंने कहा अच्छा ऐसी रॉड है भाई साहब, इसके अंदर अपने एक रिंग डाल रखी है। क्या डाल रखी है? एक रिंग बोल दीजिए, स्लीव बोल दीजिए, इस तरह की रिंग डाल रखी है। मैंने कहा अच्छा, और हो क्या रहा है कि ये जो रॉड है वो इस यहां से घूम रही है अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सलरेशन से, अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सलरेशन से। और इनिशियली इसका जो ओमेगा है, यानी कि इनिशियली इसका ओमेगा क्या था? जीरो था। और ये वाली दूरी जो है, मान लीजिए ये वाली दूरी एल है, और रिंग और इसके बीच का जो म्यू है वो आपके लिए म्यू है। किसके बीच का? रॉड के बीच का। और रॉड को ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है, रॉड को ऐसे घुमाया जा रहा है अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर के एंगुलर एक्सेलरेशन से। और इनिशियली उसका ओमेगा क्या था? इनिशियली इसका ओमेगा था आपके लिए जीरो। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत। अब आप ध्यान से देखें, अब अगर आप ध्यान से देखें तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि वो वक्त बताइए जब यहां पे ये स्लिप हो जाएगी, है ना। अच्छा ये जो मतलब जो आप ऐसा समझिए कि इस तरह का एक रिंग है, इस तरह का एक रिंग है, उसको क्या किया गया है, उसको बेसिकली यहाँ पे रॉड के अंदर डाला हुआ है, थोड़ा बड़ा रिंग हो गया है, फिर रॉड को ऐसे घुमाया जा रहा है कि नहीं यार, और ऐसे इसको डाल के ऐसे में घुमा रहा हूं, तो वैसे ही इसको घुमाया जा रहा है। एक वक्त ऐसा होगा कि ये स्लिप हो जाएगा, फिट नहीं है, ऐसा नहीं वेल्डिंग करके ऐसा कर रखा है, जस्ट इसके अंदर स्लिप हो सकता है, बट ऐसे घुमा रहे हैं तो ये नहीं स्लिप हो रहा है, बहुत तेजी से घुमाऊंगा तो ये ऐसे रहेगा, लेकिन हद से ज्यादा तेज रफ्तार से घुमाएंगे तो ये उड़ जाएगा उधर की तरफ यार। तो आपसे ये पूछा है कि फाइंड द टाइम व्हेन रिंग विल स्लिप विद रेस्पेक्ट टू रॉड के रेस्पेक्ट में रिंग स्लिप होने लग जाएगी, रॉड के रेस्पेक्ट में रिंग क्या होगी? स्लिप होने लग जाएगी। तो आपको वो वाला वक्त बताना है, आपको क्या करना है? वो वाला वक्त बताना है जब क्या होगा कि आपकी जो रॉड है, जो आपकी जो रिंग है, वो रॉड के रेस्पेक्ट में स्लिप होने लग जाए। उनका अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत, कैसे पता करेंगे? अगर आप ध्यान से देखें तो वो क्या रहा है कि ऐसे लगा के ऐसा ये जा रहा है, इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी और एक रेडियल एक्सेलरेशन होगी। मैंने कहा हाँ, अगर आप ध्यान से देखें तो रिंग को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दे कौन रहा है? मैंने कहा ये लेके जा रहा है, ये रॉड लेके जा रहा है भाई साहब, तेजी से ऐसे चलाएंगे तो ये रॉड लेके जा रहा है। रॉड इसके ऊपर क्या लगा रहा है? एक नॉर्मल लगा रहा होगा। इस रिंग के ऊपर क्या लगा रहा होगा? ऐसे अंदर से नॉर्मल लगा रहा होगा, जिसकी वजह से इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल रही है। और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी क्या? मैंने कहा अल्फा इंटू रेडियस एल है, यानी ये नॉर्मल जो है आपका रिंग का मास एम ले लीजिए, मास इंटू अल्फा एल, इतना नॉर्मल लग रहा होगा। मैंने कहा अच्छा, और अगर आप थीटा बन के यहां बैठेंगे तो ये सर्कुलर कर रही है, तो भैया ओमेगा से जब घूम रही होगी किसी टाइम टी पे, इसका ओमेगा मान लीजिए टी इज इक्वल टू टी पे, इसका ओमेगा ओमेगा हो गया है, तो इधर की तरफ एक फोर्स लगेगा सूडो वाला एम ओमेगा स्क्वायर एल। मैंने कहा उसको कौन रोक रहा होगा? मैंने कहा वहां पे, यहां पे इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वही रोक रहा होगा, और जब तक ये एम ओमेगा स्क्वायर एल की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एफ मैक्स है तब तक स्लिपिंग नहीं हो रही होगी, तब तक स्लिपिंग नहीं हो रही होगी, यानी एम ओमेगा स्क्वायर एल। अच्छा एम ओमेगा स्क्वायर एल इज लेस देन इक्वल टू एफ मैक्सिमम, और ये क्या होता है? ये म्यू इंटू एन होता है। क्या होता है? म्यू इंटू एन होता है। म्यू क्या है भैया? वो तो म्यू है, लेकिन नॉर्मल क्या है? यहाँ पे मास्टर ने ये सवाल इसीलिए दिया है, ये अच्छा सवाल है, बस आपको ये पता होना चाहिए नॉर्मल जो है वो एम अल्फा एल है, ये थोड़ी सी फील समझ में आनी चाहिए। ये नॉर्मल नॉर्मल एमजी के बराबर नहीं है, ये ऐसे नहीं रहेगी, अगर ऐसे रहती भाई साहब रिंग तो नॉर्मल एमजी के बराबर होता। अबे होगा ना यार, ऐसे रहता तो इसमें नॉर्मल एमजी के बराबर होगा, लेकिन ये ऐसा नहीं रहेगा, ये ऐसा रहेगा, ऐसे ऐसे धक्का लगा रहा होगा ये ऐसे ऐसे। तो भैया इसको आगे लेके कौन जा रहा है? इसका एपीडी बनाओगे तो इस पे ऐसे लग रहा है ना यार। अब तो नॉर्मल आपके लिए जो है एम अल्फा एल होगा, यानी कि आपके पास नॉर्मल की वैल्यू आ गई है एम अल्फा एल। अच्छा भाई साहब,
तो आपके लिए एम से एम उड़ गया है। अब ओमेगा स्क्वायर, अच्छा किसी भी टाइम पे ओमेगा क्या होगा, मैंने कहा ओमेगा आपके लिए हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, यानी अल्फा टी आ जाएगा। तो ये आपका हो गया है अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर, क्योंकि एल से एल कट कट गया है, यहाँ पे रह गया है म्यू अल्फा, तो आपके लिए एक अल्फा से एक अल्फा और उड़ गया है। टी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू अल्फा, यानी टी की जो मैक्सिम जहां पे स्लीपिंग स्टार्ट होगी वो वाला टाइम क्या होगा, वो वाला टाइम आपका हो जाएगा टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू बाई अल्फा। जस्ट ये वाला पॉइंट होगा जहां पे फ्रिक्शन की मैक्सिम औकात पे पहुंच जाएगा, इसी पे इसी थोड़ा इतना सा ज्यादा भी हो जाए तो यहाँ पे स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाता कि वो वक्त बताइए मैक्सिमम जब तक स्लीपिंग नहीं होगी, तो आंसर यही होता, तो यही होता। और ये पूछा जाता कि वो वक्त बताइए जब तक की जब स्लीपिंग स्टार्ट होगी, तो भी तो आंसर यही होगा, दोनों बातें सेम ही तो है यार। जब तक नहीं होगी और जब स्टार्ट होगी, दोनों बातें सेम ही तो है। वो आपका एक्सट्रीम कंडीशन होगी जहां पे इक्वल टू वाला साइन अपन लेंगे। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, आगे बढ़ते ही और अच्छे से सवाल करते और अच्छे अच्छे सवाल करते ही और अच्छे अच्छे सवाल करते हैं भाई साहब। उम्मीद है कि आपके भेजे में सवाल उतर रहे होंगे, मास्टर अच्छे सवाल ले रहा है इलस्ट्रेशन में, क्योंकि आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, होनहार बच्चे हैं, क्रीम आउट ऑफ क्रीम है, देश भर की क्रीम जो है उसमें से सिलेक्ट करके लाई हुई क्रीम है, क्रीम आउट ऑफ क्रीम। अगर आप लोग अच्छे सवाल सॉल्व नहीं करेंगे तो क्या कंज्यूमर की तरह सवाल करेंगे कि एफ की वैल्यू 10 न्यूटन है और मास 2 किलो है, एक्सेलरेशन बताइए 10/2 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओहो गजब समझ में आ रहा है, गजब मेरे को सब सवाल हो रहे हैं। अब चपक लाल सवाल ही तो चौमू है ना लाला, अच्छे सवाल कर मजा आवेगा। जैसे देखो जरा ऐसे देखो, इधर देखो, जैसे हम आपको आप बोले ऐसा कि भैया हमारे पास एक टेबल है, हमारे पास क्या है एक हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल है, कैसा अपने पास एक हॉरिजॉन्टल टेबल है, कैसा है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल टेबल। मैंने कहा अच्छा क्या है, निकाल यहाँ पे ग्रू निकाल रखा है, कहाँ पे यहाँ पे टेबल के अंदर। मैंने कहा अच्छा भाई साहब अलोंग द रेडियस जो है यहाँ पे इसका सेंटर है और ये सेंटर के अबाउट घूम रही है ओमेगा रेडियन पर सेकंड से, कैसे घूम रही है ओमेगा रेडियन पर सेकंड की रेट से ये घूम रही है। मैंने कहा अच्छा भाई बहुत ही खूबसूरत, ओ हो और यहाँ पे रखा हुआ है एक ब्लॉक, कहाँ रखा हुआ है, मैंने कहा यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, जिसका मास क्या है m है। अच्छा ओ हो और ये जो ग्रूव है यानी ये जो गड्ढा आपने नाली टाइप का बनाया है ये वो जो है ये कैसा है, ये स्मूथ है, स्मूथ है मतलब कोई फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है। और माना कि ये वाली दूरी जो है वो आपके लिए r है, स्मॉल r की दूरी पे ये रखा हुआ है और जो टोटल लेंथ है वो आपके लिए r है, टोटल लेंथ क्या है r है। अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। अब अगर आप ध्यान से देखें तो मास्टर आपसे क्या पूछ रहा है, मास्टर आपसे पूछ रहा है भैया कि जब आप इस टेबल को ऐसे ओमेगा से घुमाएंगे, ऐसे स्टार्ट करेंगे तो क्या ब्लॉक वा स्लिप होने लगेगा। मैंने कहा हाँ, किधर की तरफ, अंदर की बाहर, तो बोलेगा बाहर की तरफ स्लिप होगा, किधर की तरफ होगा बाहर की तरफ स्लिप होगा। मैंने कहा अच्छा भाई साहब अगर ये बाहर की तरफ स्लिप होगा हा तो क्या ये स्मॉल आर से भागदा कैपिटल आर आ जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो बाहर आएगा ना तब उसकी स्पीड क्या होगी, सवाल ये है फाइंड द स्पीड विद विच ब्लॉक विल लीव द टेबल। टेबल को लीव करेगा भैया, टेबल से कट लेगा, टेबल से कब कटेगा ब्लॉक, जब वो यहाँ पे आ जाए तो उसकी स्पीड क्या होगी। अब आप जैसे ही आप, मैं स्पीड बोल रहा हूँ मतलब कहाँ की से बातें हो रही है, ग्राउंड की फ्रेम में मुझे इस ब्लॉक की स्पीड बताइए, जब ये वाला ब्लॉक कहाँ पहुंचेगा, टिक 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 जस्ट यहाँ से टिक ऑफ मतलब बाहर की तरफ कट रहा होगा, तब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी क्या स्पीड होगी, ये आपसे पूछा गया है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, ओ हो हाँ तो सॉल्व कीजिए, हिंट आपको मास्टर दे रहा है, हिंट नहीं दे रहा है, आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा, खुद ही इसको सॉल्व कीजिए, टाइम
लीजिए एक दो मिनट। अच्छा सवाल है, सोच के देखिए, मतलब कोई बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है, लेकिन हम आप धीरे धीरे सवाल जो है आप खुद करना स्टार्ट करें ताकि अच्छे सवाल आप आसानी से कर पाए। स्टार्ट कीजिए, आपका टाइम शुरू होता है अभी। उम्मीद है कि आपने किया होगा, ट्राई किया होगा, बिल्कुल नहीं किया तो पॉज मारिए और कीजिएगा। हम बोल रहे हैं भाई साहब की ब्लॉक इधर की तरफ प्रस्थान कर रहा है आगे, निकल करते करते कहां पहुंच गया है, यहां कहीं पहुंच गया है बीच में, टिक 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 टिक, और यहां से ये दूरी मान लीजिए हो गई, कितनी हो गई है, एक्स हो गई है, क्या हो गई है, एक्स हो गई है। ब्लॉक है आपका यहाँ पे, ब्लॉक है आपका यहाँ पे, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ब्लॉक जो है जिसका मास एम है वो अभी सेंटर से कितनी दूरी पे है, वो अभी एक्स दूरी पे है, और ये पूरा कार्यक्रम ओमेगा से ऐसे घूम रहा है, कोई एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है। तो इधर की तरफ अगर आप इसके ऊपर बैठ जाएंगे, इसके ऊपर बैठ के देखेंगे तो इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, रोकने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला उधर कोई नहीं है, तो वही आपका नेट फोर्स हो जाएगा, यानी कि एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी इसकी उधर की तरफ, मैंने कहा एम ओमेगा स्क्वायर एक्स है डिवाइडेड बाई एम। ये किसके रेस्पेक्ट में बातें हो रही है, ये सारी बातें टेबल पे बैठे हुए यानी कि इस ब्लॉक पे बैठे हुए आदमी के लिए हो रही है। मैंने कहा अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत है खूबसूरत, और इसकी रफ्तार मान लीजिए हो गई है v, रफ्तार क्या हो गई है v, ये किसके रेस्पेक्ट में है, टेबल के रेस्पेक्ट में, v v किसके रेस्पेक्ट में, टेबल के रेस्पेक्ट में है, जो कि उधर की तरफ ज्यादा से बढ़ रही होगी, तो आपके लिए हो गया dv / dt, dv / dt इज बेसिकली इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x है। अच्छा बहुत बढ़िया, क्या ऐसा लिखूंगा मैं, मैंने कहा बिल्कुल नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा v dv / dx, मैं एक्सेलरेशन को क्या लिखूंगा, v dv / dx दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x है। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, तो यहां से मेरे लिए क्या हो गया है, v dv इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा स्क्वायर x dx। मैंने कहा अच्छा भाई साहब बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप ध्यान से देखें तो इसको अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं। x हमारे लिए पहले क्या था, मैंने कहा स्मॉल r था, फिर वो बाद में कहां जा रहा है, कैपिटल r पे, पहले रफ्तार क्या थी, जीरो, मैंने कहा बाद में क्या हो गई है, v हो गई है। अब आप ध्यान से देखें, ध्यान से देखें तो v dv का इंटीग्रेशन आपके लिए क्या हो गया है, मैंने कहा v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया, v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 हो गया है, और ओमेगा स्क्वायर आपके लिए कांस्टेंट है तो बाहर आ गया भाई साहब, x का क्या हो गया, x स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट डाली तो ये r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर हो गया। मैंने कहा अच्छा भाई साहब यहां से 2 से 2 उड़ा दें, तो अगर आप ध्यान से देखें तो v की वैल्यू आपके लिए क्या आ गई है, v की वैल्यू यहां से आ रही है ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वी की वैल्यू हो रही है ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अच्छा तो क्या यही आंसर है, नहीं ये तो टेबल के रेस्पेक्ट में है, आपको किसके रेस्पेक्ट में पूछा है, आपको ग्राउंड के रेस्पेक्ट में पूछा। मैंने कहा अच्छा तो फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या होगा, मैंने कहा इधर की रफ्तार भी है, फिर ये उधर भी वैसे इसके साथ घूम भी तो रहा था, मैंने कहा तब ये बाहर आ रहा होगा तब क्या होगा, मैंने कहा इधर भी मिला होगा, इधर आपको ओमेगा इंटू आर भी तो मिल रहा होगा, मैंने कहा तो नेट रफ्तार जो होगी वो इधर की तरफ होगी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वी नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके लिए आ जाएगा वी का स्क्वायर प्लस ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर, वी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके लिए, ये हो जाएगा भैया ओमेगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, तो ये वी स्क्वायर हो गया इंटू क्या आ जाएगा ओमेगा इंटू आर का होल स्क्वायर, ओमेगा इंटू आर का होल स्क्वायर, ये वो रफ्तार होगी जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, जिसके साथ ये भाई साहब हमारे जो हैं वो बाहर की तरफ प्रस्थान कर रहे होंगे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। कोई बहुत ज्यादा टफ सवाल नहीं था, हाँ बस आपको ये ध्यान रखना था कि जब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में आप निकालेंगे तो आप साइड जो सर्कुलर कर रहा है ओमेगा इंटू आर पे इसके पास होगा ये टेंजेंशियल वाला, ये और उन दोनों का रिजल्टेंट आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, खूब सारे सवाल वैसे आज में हो गए हैं, एक आध और लिख लेते हैं या फिर एक सवाल को होमवर्क में लिख लेते हैं, कैसे होमवर्क में लिख लेते हैं। अच्छा भाई सब बहुत ही बढ़िया, मिट जाओ यार मिट जाओ, काहे उतना भाव खा रहे हो,
चलिए भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। एक सवाल लिखते ही हाँ, मैं ही कहूंगा क्या? नहीं, अरे मैं ही तो कर रहा हूँ, मैं ही बोर्ड साफ कर रहा हूँ, मैं ही सवाल लिख रहा हूँ, मतलब मैं ही उसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, मैं ही मिटा रहा हूँ। चंपक लाल की तरह तू देख रहा है बैठ के सो के, यहाँ होता ना तो बोर्ड वोर्ड साफ करवाता है ना। अच्छा, स्काउटिंग वाले तो जरूर करते भाई साहब। आइए एक सवाल लिखते हैं और सवाल को होमवर्क में लिख लेते हैं। होमवर्क में एक सवाल लिखिए, फिर आज का लेक्चर अपन खत्म करते हैं। आप खूब सारे आप सवालों को अच्छे समझिए और खुद बहुत सारे सवाल से सॉल्व कीजिए। कुछ से सब सवाल करते हैं, मजा आता है, मतलब है ना। एक रिंग है अपने पास, क्या है? एक रिंग है। एक क्या है अपने पास? एक रिंग है। अच्छा, अपन सारे सवाल अच्छे कर रहे हैं ना, अपन है ही अच्छे, तो अच्छे सवाल करते हैं। एक रिंग है जिसका रेडियस आपको दे दिया जाए कि आर है। क्या है? रेडियस आर है। और टोटल मास जो है इसका क्या है? टोटल मास जो है वो है आपके लिए इसका कैपिटल एम, है ना। और ये यूनिफॉर्म रिंग है। कैसी रिंग है? यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म रिंग है। यूनिफॉर्म का मतलब आप समझ गए ना, यूनिफॉर्म रिंग है, यानी कि रिंग में जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि यूनिफॉर्मली एकदम सेम सेम टाइप का बना हुआ है। और ये एक्सिस के अबाउट इस रिंग को घुमाया जा रहा है, कैसे? ओमेगा। कैसे घुमाया जा रहा है? ओमेगा से इसको घुमाया जा रहा है। इनका अच्छा भाई साहब, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत यूनिफॉर्म रिंग है जिसका रेडियस आर है, टोटल मास कैपिटल एम है। तो क्या इसको घुमाएंगे तो हर छोटा छोटा पार्टिकल क्या बाहर जाना चाहेगा? मैंने कहा क्या जा पाएगा? मैंने कहा नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि रिंग में कोई टेंशन डेवलप हो गई होगी। फाइंड द टेंशन इन द रिंग। सवाल ये है कि फाइंड द टेंशन इन द रिंग, फाइंड द टेंशन इन द रिंग, रिंग के अंदर कितना टेंशन होगा? फाइंड द टेंशन इन द रिंग है, रिंग के अंदर कितना टेंशन होगा? ये सवाल आपको करना है, ये सवाल आपको करना। मैं कर दूंगा, नहीं मैं नहीं बता रहा, खुद से ट्राई करना, अच्छे से ट्राई करना भाई साहब। हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि छोटा सा पार्टिकल डीएम लेना, उसके ऊपर बाहर की तरफ क्या लग रहा है? मैंने कहा डीएम ओमेगा स्क्वायर आ, उसको रोक के कौन रख रखा होगा? मैं तो अगल बगल वाले पार्टिकल उसको बोल रहे थे मत जा बेटा, बाहर मत जा, हम तुमको खींच रहे हैं, इसलिए तो रुका होगा यार, इसको ऐसे घुमाने का पार्टिकल भी छोटो बाहर की तरफ लग रहा है, अगर आप इसमें बैठ जाएंगे फिर अंदर रोकने वाला कौन होगा? मैंने कहा टेंशन नहीं होगा, तो टेंशन की वजह से ही तो वो रुका हुआ होगा ना। कहा परेशान कर रहे हो भाई, हाँ तो वही रुका होगा। तो आपको क्या करना है, इस यूनिफॉर्म रिंग के अंदर कितना टेंशन होगा वो आपको पता करना। हमको लगता है कि मैं फिर है ना अगले वाले क्लास में सॉल्व करता हूँ, आप इसको सॉल्व करें और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको पूरी ईमानदारी से सॉल्व करते रहें। और बाकी आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय।